पहला धाम है रामेश्वर, दूसरा धाम है द्वारकाधीश, तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी और चौथा धाम है बद्री का आश्रम। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाओं में चार धाम विराजमान है। पूरब में जगन्नाथपुरी है कटक उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारकाधीश है गुजरात में, दक्षिण में रामेश्वरम है कन्याकुमारी दक्षिण भारत रामेश्वरम और उत्तर में बद्री का आश्रम। चार धाम की चार बातें प्रमुख है। सतयुग का धाम बद्री का आश्रम है, कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है, द्वापर का धाम द्वारकाधीश है और त्रेता का धाम रामेश्वर। चार धाम की चार बातें ये हैं कि रामेश्वर जी में जल चढ़ता है, गंगोत्री का जल रामेश्वर जी में चढ़ता है, द्वारकाधीश में छाप लिखी जाती है, कभी द्वारकाधीश जाओगे तो भाई 250 किलोमीटर आपके सोमनाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग अटका लगता है रोजाना और बद्रीनाथ जी में सुपर होती है। रण से भागा छत्री और तीर्थ से भागा यात्री कभी फलीभूत नहीं होता। अपने ब्राह्मण का आशीर्वाद लेके ही जाना चाहिए, ब्राह्मण की जरूरत हर जगह पड़ती है। कोई शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो, अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, ब्राह्मण की जरूरत हमेशा पड़ती है। ऐसा यहाँ का विधान है। टाटा बिरला अंबानी अडानी फटानी जितने अरबोपति खरबोपति है वो भी कोई मुहूर्त करने से पहले ब्राह्मण से उसकी अनुमति लेते हैं कौन सा दिन शुभ रहेगा, है भाई साहब? हाँ, सब कोई लेता है। दिन से उसकी मुहूर्त होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से हर कोई डरता है। डर ऊपर वाले का है, डर समाज का होता है। ऐसा न हो तो आदमी जो मर्जी कर ले। ऊपर और ब्राह्मण की जरूरत हमेशा हर जगह पड़ती है। गंगा है, गंगा मानो तो वो मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बेहतर पानी है कि नहीं। एक गंगा पे आप हरिद्वार में आप स्नान करते हैं, कहीं भी नहाते हैं, ऊपर से कहीं मुर्दा जल रहा है, कहीं भैंस मर के आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, सब कुछ चलता है, फूल भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। आदमी सामने देखता है फिर भी उसको स्नान करके घर जल घर में ले जाता है और पीने वाला जिसको आप दे रहे हैं। अरे भाई साहब बस्ती से बोल रहे हो? अरे हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, इस समय हमारा टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे, एक घंटे बाद। हाँ बाद में करेंगे आप सवाल, मैं खुद मिलाऊंगा इस नंबर। तो जानने वाला भी जानता है कि ऐसी बात है, लेकिन फिर भी उसको पवित्र